नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी ऐप चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसको आप यहाँ एम परिवहन एप्लीकेशन पे कैसे ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको आरसी हर जगह कैरी करने की ज़रूरत ना हो, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप मोबाइल के माध्यम से उसका यूज़ कर सकें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बस इतना चाहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एम परिवहन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इस पर साइन इन करना है। साइन इन करना मैंने बताया है डीएल वाले वीडियो में, तो वो आप देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है। तो ये तीन डंडियाँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पर साइन इन का बटन आता है, सिंपली उसको दबाएंगे तो वो आपको साइन इन के पेज पर ले जाएगा। अगर आपने कभी ये एप्लीकेशन नहीं चलाई है तो वहीं नीचे साइन अप का ऑप्शन होता है, जिससे आप साइन अप कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस होता है, आपका नंबर डाल करके आपको साइन अप करना होता है, बहुत ईजी प्रोसेस है। दूसरा, डीएल डालना आप सीख चुके हैं, मैं आज आरसी बता रहा हूँ। तो आरसी वाले डैशबोर्ड पे चले जाइए, देखिए आप देखते हैं तीन सेक्शन बने हुए, डैशबोर्ड, आरसी डैशबोर्ड और डीएल डैशबोर्ड। तो हमें आरसी वाले पे जाना है, आरसी पर टैप करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि एंटर आरसी नंबर टू गेट डिटेल्स, नीचे की तरफ लिखा हुआ है क्रिएट अ वर्चुअल आरसी, वेलकम टू एम परिवहन। तो हमें क्या करना है कि एंटर आरसी नंबर टू गेट डिटेल्स, यहाँ पर आरसी नंबर डालना होगा। आरसी नंबर कहाँ से आपको मिलता है, आपकी गाड़ी की आरसी में से आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने अपनी आरसी चेक कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो मैं आपको बता दूं, आपकी गाड़ी का जो नंबर है, आपकी गाड़ी का जो भी नंबर होता है वही यहाँ पर आपको फिलअप करना होता है, वही आप यहाँ पर डाल दीजिए। ओके, तो ये मैं डाल देता हूँ। अब देखते हैं, मैंने अपनी गाड़ी का नंबर यहाँ पर फिलअप कर दिया। अब ये जो सर्च का बटन है, मैं इस पर टैप करूंगा। सिंपली ये बोलेगा प्लीज नोट ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड आर गेटिंग लॉग्ड फॉर सिक्योरिटी रीजंस, मतलब जो भी चीज़ें अंदर आएंगी थोड़ी बहुत, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें भी लॉक रहेगी, वो आपको देखना होगा। आप देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आरसी का जैसे ही मैंने डाला, सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आ गई कि ये सीबी शाइन गाड़ी के बारे में है, ओनर का नेम लिखा हुआ है, जो कि थोड़ा सा मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है कोड में, वो आपको समझना होगा। आप अपने नंबर के अक्षर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर नीचे है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, व्हीकल क्लास, आरसी स्टेटस कैसा है वो आपको यहाँ पर ज़रूर देखना होगा, वो है एक्टिव। फ्यूल टाइप सब कुछ यहाँ पर लिखा होता है, कितना समय हो गया गाड़ी को वो यहाँ पर दिखाई देता है, और सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। पीयूसीसी के बारे में भी लिखा होता है, ताकि आप जब अपनी गाड़ी की आरसी यहाँ पर कैरी कर रहे हैं तो किसी को दिखाना पड़ा तो आप ये दिखा सकते हैं कि पीयूसीसी कराई हुई है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगर आपने पीयूसीसी नहीं कराई है तो फिर वो यहाँ पर नहीं दिखेगी, वो अलग बात है ना। तो अभी देखिए, ये तो हमने ढूंढ लिया है, अभी हमको सिर्फ एक चीज़ करनी है, ऐड टू डैशबोर्ड फॉर वर्चुअल आरसी, ये करना है यहाँ पर। और सिंपली आप यहाँ से चाहें तो चालान भी देख सकते हैं, सिंपली वो मैं कभी और दिखा दूंगा। अभी ऐड टू डैशबोर्ड फॉर वर्चुअल आरसी करते हैं, और जैसे ही बटन दबाता हूँ मैं तो ये बोलेगा चेसी नंबर कंप्लीट कीजिए, वेरीफाई योर आरसी, एंटर द डिटेल्स एंड क्लिक वेरीफाई। इतने जल्दी किसी भी इंसान को ये गाड़ी नहीं करना देगा, आपने देखा कि यहाँ कुछ अभी इन्होंने वेरीफाई नहीं किया था। तो अगर आप अपने डैशबोर्ड पर डालना चाहते हैं तो सिंपली वेरीफाई करें अपने आप को, तो चैसी नंबर एंटर लास्ट फोर डिजिट, तो आपको लास्ट फोर डिजिट जो है यहाँ पर डालने होंगे, अपना चैसी नंबर निकाल लीजिए। तो ये आपने यहाँ पर डाल दिया एक बार, और सिंपली आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई कर देते हैं तो गो टू डैशबोर्ड टू चेक योर आरसी डिटेल्स, यहाँ पर हम ओके कर देते हैं, और डैशबोर्ड पे जैसे ही जाते हैं बैक कर लेते हैं, और देखिए आप देखते हैं मेन डैशबोर्ड जो है उस पर भी आपकी आरसी दिखाई दे रही है सबसे ऊपर। ये देखिए आरसी आपको दिखाई दे रही होगी, अगर यहाँ पर मैं टैप करता हूँ तो अब गाड़ी के बारे में सारी जानकारी जो है यहाँ पर दिखाई देगी। अभी तक आपको चेसी नंबर वगैरह नहीं दिख रहा था, जो कि आपसे पूछा गया कि भाई इसको कंप्लीट करो। अब यहाँ पर आपको देखिए पीयूसीसी दिखाई दे रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर दिखाई देता है, इंश्योरेंस वैलिड अप टू दिखाई देता है, कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस है वो दिखाई देता है, किस प्रकार की गाड़ी है, चैसी नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देती है। प्लस आपकी गाड़ी का बार कोड बनाकर भी, एक QR कोड बनाकर भी इन्होंने रखा हुआ है। तो यह है तरीका दोस्तों अपनी आरसी को अपने मोबाइल में कैद करने का, ताकि आपको हर जगह पर फिजिकल आरसी और फिजिकल डीएल ना लेकर घूमना पड़े। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।